तो हो गए, लेकिन तू नहीं होता है ना, ये सीता का उद्धार करना इतना आसान नहीं था, तेरी कृपा से सीता की उद्धार हुई। आज तेरे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। हम रामायण देखे होंगे, जब श्री हनुमान प्रभु की चरण में सर पर नमा दिए और वो कहते हैं बोले बार बार वर मांगू हर सीते हो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सच सच। हनुमान जी कहते प्रभु आपकी चरण में बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपकी चरण की भक्ति अनुपायनी भक्ति आपकी सत्संग। अब रामायण देखे होंगे जब प्रभु राम हनुमान जी का सर पर जब हाथ रख रहे ना, अब रामायण देखना कैलाश में शंकर जी को दिखाया, कैलाश में शंकर पार्वती बैठे हुए हनुमान जी को, तो शंकर ही हनुमान बन करके आए। जब प्रभु राम सर पर हाथ रख रहे ना कैलाश में दिखाया, शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उनका सर पर भी प्रभु राम का हाथ है, क्यों हनुमान ही शंकर ही है। शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, देखो प्रभु मेरे सर पर हाथ रखकर हमें भक्ति के आशीर्वाद देते हैं, भक्ति की इतने महिमा। अभी हम भक्ति की महिमा नहीं जानते हैं ना, नहीं जानते, इसलिए हम इधर उधर चीज मांगते। कौन सा चीज? तो संसार में बंधन, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा होकर बात नहीं सुनता, उल्टा पुल्टा काम, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा, या भाई भाई बहु में लड़ाई सुनो है। अब देखना इस जगत में जितने चीज को मांगोगे ना, केवल बंधन ही बंधन है और कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है जगत में, सारे दुख ही दुख का कारण है। लेकिन सुख है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम से ही सुख मिलता है। अगर प्रेम रूपी धन आ गया ना, कहते सारे धन अपने आप आ गए, सारे धन अपने आप आ गए। देखो आपके एक उदाहरण देता हूँ, आप ध्यान देकर सुन। आपके दो बेटे हैं, आपका दो बेटे हैं, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। एक बेटा कहता है पिताजी तभी तुम्हारी सेवा करूंगा, आपका नाम पर जितने प्रॉपर्टी है ना पहले मेरे नाम पर लिखवा, तभी आपका सेवा करूंगा। एक बेटा कहता है पिताजी आप मेरे पिता हो, हमारे संतान हैं, हमारी कर्तव्य आपकी सेवा करना, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी सेवा हमें प्रदान करना। आप बताओ दोनों बच्चे में आप किसको सारे संपत्ति दोगे? आप बताओ किसको सारे संपत्ति देकर जाओगे? मांगने वाले को देखे ना, जो सेवा करना चाहते उसको दोगे? आप बोलो किसको दोगे? जो मांगता है ना जोर जबरदस्त बोले तेरे कुछ भी नहीं दूंगा, तेरे कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन जो सेवा प्रार्थना कर, केवल आपको सेवा चाहिए, बोले इसके लिए मैं इतने संपत्ति कमा करके जाऊं, इतने अच्छा बेटा कभी जैसे दुखी नहीं हो, इतने संपत्ति कमा करके जाएगा। फिर उसी तरह जब ठाकुर जी की चरण में हम सेवा करेंगे ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं ठाकुर हमें क्या देने वाले हैं। हनुमान जी क्यों बात करते, शंकर जी क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते भक्ति? इसलिए कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति में निष्काम होनी चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने उदाहरण दिया है भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जप। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, देखना कि शहद होता है ना, शहद को जब आप ऐसे डालोगे देखना उसमें एक धागा बन जाती है, शहद बनाओ धागा बन जाती है। गुरुदेव उदाहरण देते हैं भक्ति हमारी ऐसे होनी चाहिए, निरंतर जब हर समय 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन में मन लगनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहेंगे, हम बीबी बच्चे हमारा काम काम करना पड़ता है, सारे काम आप लोग सारा दिन मत। हाँ देखो यहाँ पर कहते माला लेने का जरूरत नहीं, माला लेने का जरूरत नहीं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो कुछ तुम करते हो जत करोसी जत स्नासी जत जोहस जदा जत जत तपस्वी कौर समर्पण, जो कुछ करते मेरे लिए, खूब पैसा कमाओ, क्यों पैसा के ऊपर कुछ हो रहा है, मनी इज हनी, इज हनी कहते ना, मनी पैसा के बगैर कुछ, पैसा खूब कमाओ, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो इसका लक्ष्य रखो, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारा नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की, नारायण की, खूब पैसा कमा बोले क्यों, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, रोज रोज घर में पिज्जा पास्ता बनाओ, रोज में ढोकला और सांबर और डोसा रोज रोज बनाओ घर में, लेकिन इतने बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगे, ठाकुर जी को भोग हो गया, भक्ति हो गई, यही भक्ति, घर को बढ़िया करके साफ सुथरा कर घर को, बोले क्यों, बोले ठाकुर का दरबार, भगवान की ये मंदिर है,
अगर कोई गंदा रहेगा तो ठाकुर चलेंगे तो प्यार की धूल नहीं लग जाएगी, इसलिए घर को साफ कर दो, रोज बढ़िया बढ़िया नया नया कपड़ा पहनो, बढ़िया शरीर को साफ करो। बोले क्यों? बोले गंदे शरीर से हम ठाकुर का सेवा कैसे कर सकते हैं, शरीर अच्छा रहेगा तो। बस यही भक्ति, भक्ति और कुछ ज्यादा कोई चीज नहीं। मेरे तरफ में देखो भक्ति क्या है, मेरे तरफ में ध्यान देखो। उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पर कोई चीज है जिसको हमने उठा करके यहाँ रखना, यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं, भक्ति और कोई चीज नहीं है। जैसे उठाया यहाँ रख दिया, मतलब क्या, जो कुछ कर रहे वही करो, अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के लिए क्या करो, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मन अन्यत्र लोकायम कर्म बंधन। अर्जुन जब तुम मेरे को छोड़कर कोई कर्म करोगे, कर्म बंधन में पड़ोगे, जन्म जन्मांतर भटक रखते रहोगे, एक जन्म को लेकर दूसरे को लेकर तीसरे में, हम ये 84 लाख जन्म में हम भटकते रहेंगे, ये कर्म बंधन से निकल नहीं सकते। लेकिन कर्म जब भगवान की सेवा में लग जाए वो फिर भक्ति हो जाती है, वो कर्म कर्म नहीं रहता है। जैसे देखो, जैसे ये एक गिलास पानी है, पानी है एक गिलास, अगर उसमें थोड़ी सी नींबू डाल दो, थोड़ी मिश्री डाल दो, बताओ ये क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगी ना। लेकिन पहले क्या था, पानी था, लेकिन नींबू शरबत डाल दिया, क्या हो गया। वही उसी तरह जब हम भगवान को छोड़कर कोई काम करते हैं वो कर्म बंधन है, लेकिन जब उसी चीज को भगवान के लिए करते वही भक्ति, वही भक्ति। देखो हमारे जितने भक्त लोग यहाँ पर सारा दिन तो पैसा ही कमाते हैं, कितना सुंदर घर बनाया, देखो इन्होंने कितना सुंदर घर बनाया, ठाकुर जी को इन्हें स्थापित किया, इनके मंदिर को देखो, सब तो यही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं केवल भगवान, ठीक है ना। इसलिए भक्ति हमारी हाथों में जो कुछ कर ठाकुर की सेवा मान कर करो, हर मुंह में क्या कर भगवान के नाम उपास हो गया। हाँ, जो दूसरा जो प्रश्न है, भगवान को कलयुग में पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले कली योग के बल नाम आधार,
भले कलयुग में केवल भगवान के नाम जप कर, कलयुग में उन्होंने कोई कठिन साधन नहीं रखे। ठाकुर जी को पता कलयुग का जी कोई कठिन साधन उन्होंने कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सत्ययुग में था ध्यान, देखा कलयुग में इतने मन चंचल है। द्वापर युग में अर्जुन खुद कहता है चंचल ही मन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। कौन कह रहे हैं? अर्जुन जैसे व्यक्ति है। इसलिए ध्यान करने के लिए एकाग्रता चाहिए। इसलिए देखते हैं अब ध्यान करने के लिए बैठना, एक सेकंड भी ध्यान में नहीं लगता बेटा बेटी दुनिया लग गई। इसलिए उन्हें देखा कलयुग में ध्यान नहीं कर सकते हो। तृतीय युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए आपको पवित्र साधु मंत्र उच्चारण करने वाला जरूरत है। अगर उल्टा पुल्टा मंत्र उच्चारण करेगा तो यज्ञ का उल्टा फल मिलेगा है। फिर यज्ञ करने के लिए कितने पैसा की जरूरत है? चंदन धूप दीप हवन सामग्री, फिर पता नहीं घी में चर्बी भर भी मिला हुआ तो उल्टा पुल्टा फिर फल ही नहीं मिलेगा है। फिर तृतीय द्वापर युग में परिचर्या, इसलिए धूप दीप अगुर पंचामृत लाओ लाओ। इसलिए देखा कहाँ से इतना लाएंगे है। पहले एक व्यक्ति कमाता परिवार खाता था, अभी पति भी कमाती है, पत्नी भी कमाती है, बेटा भी कमाती है, तभी भर नहीं, तब तभी पूरी नहीं होती। इसलिए बोले कहाँ से इतना लाएंगे। इसलिए भगवान सबसे सरल उपाय रख दिया, बोले कलयुग में कोई इधर उधर साधन भजन करने का जरूरत नहीं, बस भगवान ही केवल नाम जप। ठीक है ना, मेरा भाग उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई पैसा लगा आपको? किस पैसा जरूरत है? पैसा की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम होगा? परिश्रम नहीं है, बल्कि आनंद मिला, बल्कि आनंद मिला। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु दुखी होकर के बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। महाप्रभु दुखी होकर के बात कह रहे हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, मैंने कितने भगवान का नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने कितने ठाकुर जी का नाम है, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान ने कलयुग में सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिया। इसलिए पिता कहती है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए भगवान से भी बढ़कर उनका नाम। तीसरा बोले नियमित स्मरण रखा, मैंने ये नहीं बताया जब तुम लोग पवित्र हो तभी मेरे नाम को लो, अपवित्र होकर नहीं ले सकते, मैंने ये भी नहीं बताया। किसी अवस्था में तुम भगवान के नाम को ले सकते हो, अजा मिले किसी अवस्था में नहीं। टाटी पेशाब कर रहा था जब तुम तुमको देख रही, टाटी पेशाब कर रहा था तभी उन्होंने नाम लिया। बोले किसको बुलाया? बोले भगवान को नहीं, अपना बेटे को बुलाया। बोले किस रूप में? बोले चित्कार करते हुए बुलाया, चित्कार करते हुए। बस स्थिति क्या था? बोले बुद्धि भयभीत होकर के जम दूत से, लेकिन भगवान के नाम इतने शक्ति है, इतने शक्ति भगवान के नाम में बेटे के लिए बुलाया, वैकुंठ दूत आ गया, जम दूत को मार मार में भरा दिया, वहां से उनको रक्षा करने लगा। मतलब भगवान के नाम किसी तरह से भी कर कल्याण करने वाले। देखो ध्यान देने सुनो, महापुरुष दुखी होकर बात कह रहे, बोले मैंने इतने सुजन दे दिया, कोई पावत नहीं रहेगा तब भी कलयुग का जी मेरे नाम नहीं लेता, भले बैठ गए इधर उधर कब पे मार लेंगे, इधर उधर के बुरी चर्चा निंदा चुगली कर लेगा, लेकिन बोलेगा भैया थोड़ी बैठ करके एक माला तो जप करो, एक माला तो प्रभु के लिए एक तो माला लो भगवान, तब भी कितने कलयुग का जी कितने अनर्थ पापी है उसका मुंह भी भगवान नाम नहीं निकलेगा, सारा दुनिया की बात को मेरे जैसे टक्टर 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 करते रहेगा। इसलिए भागवत ने बताया जो जीवा में प्रभु का नाम नहीं लेते हैं ना वो मेढक का जीवा। बोले क्यों? आप देखना बरसात का समय पर मेढक का टट्टर टट्टर करना है, इसका काल होता है सर्प। सांप देखता है अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मैं आहार भुला रहे हैं, वो धीरे 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 आकर के मेढक को पास निकल जाता है। इसलिए भागवत में बताया अगर हम भगवान के नाम नहीं लेंगे, इधर उधर के टट्टर टट्टर करते रहोगे, एक दिन काल आकर तुम्हें क्रॉस कर लेगा, काल आकर तुमको निगल लेगा तेरे को। इसलिए
इधर उधर की बात नहीं करे, क्या कर भगवान की नाम जप करो जिसमें शांति और जिसमें सुख हमें प्राप्त हो, ठीक है ना। देखो जैसे हम क्यों नहीं, जैसे ये लाइट जल रही है, ध्यान चलाते हैं, सारे इलेक्ट्रिक का सारे चीज, इसका बिल भरते कि नहीं बताओ? अगर दो चार महीना अगर इसको बिल मत भर, क्या होगा बताओ? क्या होगा? लाइट काट देगा ना। लेकिन जिसने दिन में इतना बड़ा लाइट दिया उसका क्या बिल भर दे? जिसने ये हवा पानी दे रहे, अगर 5 मिनट हवा बंद कर देना, हमारा हवा भी बंद हो जाएगी, हमारी हवा भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हमें कोई $10 अगर हमें कोई दिया हुआ ना, जिंदगी भर के लिए याद रखते भैया हमने $10 दिया था। लेकिन जिसने सब कुछ दे रहे हैं उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? इसलिए गोस्वामी श्री हमारे सूरदास जी कहते हैं, जिन्नी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी। ओके, तुम नमक हराम हो, जिसने तुमने सब कुछ दिया है, जिसने सब कुछ दिया उसके लिए तुम कुछ नहीं करते। इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे बैठ कर भगवान की थोड़ा समय दो, उनके लिए बैठ करके कम से कम 10-20 मिनट उनके लिए तो दो थोड़ी, ठीक है ना। आप लोग तो भारतीय लोग हैं, अब तो इधर आ गए। अब ना भारत में जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप सुने हो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो तो यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। ये बोलते हैं ना, बेटा जितने तुमने प्रभु का नाम लिए हो तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है तुमने झूठे में अपना जीवन बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही, पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, परिवार चलेगा शमशान तक, इसको आगे तेरे साथ में कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए मिराज जी कहते हैं, पायो जी मैंने इसलिए क्या करनी चाहिए? कम से कम सवेरे बैठ करके भगवान का नाम जप करो, गीता थोड़ा पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठाकुर सुखार की पूजा करो, ठीक है ना। सबके सब ये हमारे भक्त लोग तो करते हो, और जो लोग करते नहीं सबके सब भगवान की नाम जप करना, ठीक है ना, खत्म कर देना। हाँ ठीक है। और देखो जो लोग कुछ नए लोग देखते हैं, नए नए लोग, हाँ जिनके पास में माला नहीं है, देखो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपकी भोजन है। महाप्रभु एक अच्छी शिक्षा देने के लिए कहा, देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता। बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाओगे? बोले जो लखपति बनेगा। और आज से 550 साल पहले लखपति उसी समय था 1,00,000 स्वर्ण मोहर। उस समय 550 साल पहले एक सोने की मोहर 1-1 रुपया होता था। उसको घर में खाना खाएंगे जिसको पास में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी दुखी हो गए। बोले प्रभु आप लाख की बात कर रहे हो, हमारे पास 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, इसका मतलब कि हमारे घर में खाना नहीं क्या होगा आप लोग? भगवान देव क्या कहते हैं? बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी नाम जप करते हैं, जो भगवान की। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुई, और माया की जो बहन चेहरे कांगाल हुई। अब मेरे तरफ में देखो, कुछ दिन पहले हमारे भारत में आता था करोड़पति कौन बनेगा, अमिताभ बच्चन, करोड़पति कौन बनेगा, यहाँ पर भगवान कहते लखपति कौन बनोगे। अब देख लो अब लखपति कैसे बनोगे, जैसे इसमें 108 इसमें मोती है, इसमें 108 मोती। जैसे ये माला को हम जब 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 करते हैं, देख लो ये अंगुलों को हम टच नहीं कराते हैं, क्योंकि गंदा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है, तेरे को हम देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं। ये बीच वाले अंगुल के ऊपर में माला रख करके, जैसे हरे कृष्ण, अब सब मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, बोलो कहते हम एक मोती सरकाते हैं, ठीक है, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, दो मोती सरकाते हैं। देखो 1,00,000 कैसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, 16 बार हो गया, ये 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती है,
अगर उसको पूरा यहाँ से करते करते जब यहाँ खत्म करते हैं और एक राउंड हो जाता है, अगर उसको फेर कर अगर ऐसे 16 माला अगर कर लिया वो हिसाब से होता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया हो जाता है 1,00,000। ये भगवान स्वयं कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में तुम्हारी 1,00,000 रुपया निबंधित होगी। भगवान स्वयं कहते हैं कुछ ब्याज मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट, बोले इंटरेस्ट कितना मिलेगी, इसलिए विदा कहती है, बोले दिन दिन बड़ा दस पायो पायो आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल तुमको 1,25,000 रुपया मिलेगी, 2,00,000 डबल, 2,00,000 डॉलर हो गया, 2,00,000 डॉलर हो गया, मतलब 4 दिन में डबल। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे माने इसी जगत का पैसा कमाते 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 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गई, आज हम 100 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक, भले तुम्हारी शरीर बदल जाए, चोला बदल जाए, शरीर छूट जाए, बताओ यहाँ से कितना पैसा लेके जाओ, 1 पैसा जाएगी यहाँ से, शरीर छूट गया तो 1 पैसा जाएगी, यहाँ से खाली हाथ से जाना पड़ेगा एकदम कंगाल बन करके, 1 पैसा भी यहाँ से छू नहीं सकते। लेकिन ये ऐसे के धन है जिसको पत्नी कमाएगी ना, जिसको पति नहीं ले सकते, जिसको पिता माता कमाएंगे जिसको बच्चे नहीं ले सकते, जिसको बच्चे कमाएगा जिसको पिता माता नहीं ले सकते, जो कमाएगा इस जीवन में भी इसकी आप मालिक ही बनोगे अगले जीवन में, तो दीन दीन बढ़त सवाए, ये ब्याज समेत अगले जीवन में मिलेगा, ब्याज समेत, ये ऐसे कहता है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हरिनाम करना, और एक प्रार्थना है, देखो यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग जो जुड़े हुए प्रकाश प्रभु जी और ये प्रभु जी सब भक्त लोग, ये सबके सब बीच बीच में जब भक्त लोग आते ना सत्संग होता है हर सैटरडे ना संडे में, सैटरडे को ये सत्संग होता है, ये लोग जब कोई भारत से कोई भक्त लोग आते हैं वो लोग करते हैं, तो सबके सब बैठी करके कीर्तन करते हैं, फिर उसमें कुछ भक्त लोग अपना आपस आपस में हरी चर्चा करते हैं। इसलिए आप लोग जो कुछ नए यहाँ परिवार आए हैं आप लोग कोशिश करना जैसे आने, ठीक है ना, क्यों कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना हुई राम कृपा न सुलभ होए, जिस कथा भी सुने अब तो मन में जगह होगा नहीं आज से हम माला करेंगे, लेकिन जब गेट से बाहर जाओगे ना ये पल्लू कैसे झाड़ कर चले, अरे बाबा को बोलना था बोल दिया छोड़ो, हृदय में काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक पौधा लगा, अगर उसमें पानी नहीं दोगे गमला में वो कब तक चिंता रहेगी, फिर तो मुरझा जाती है। ये सत्संग नहीं इसमें पानी देना, सत्संग पानी, जब आप मिलते रहोगे जुड़ते रहोगे क्या होगा, फिर आपके अंदर भावना बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए फिर आपके बच्चों का अंदर में भी अच्छी संस्कार आएगी, बच्चे भी अच्छे बनेंगे, बच्चे भी उल्टा सीधा रास्ता में नहीं जाएंगे, पिता माता को आदर करेंगे, पिता माता के आदर से पालना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, बच्चे क्यों संस्कार बने रहेगा। अगर साधु सब छूट जाएगी फिर तो सभी छूट जाएंगे, सबके सब छूट जाती है, ठीक है। इसलिए जो कुछ नए जो भक्त आए हैं आप लोग सबका एड्रेस ले लीजिएगा, ठीक है ना, इनको सबके सब बुलाते रहना, ये आते रहेगी। हाँ, अगर आप चाहोगे जो कुछ नए भक्त यहाँ आए, अगर आप चाहोगे हम माला जब करेंगे फिर कथा के बाद में आप मेरे से एक दो माला लेकर जाना, ठीक है। आपको जो माला दूंगा अभी आपको नीम की माला दूंगा जब करने के लिए, लेकिन जब पूरा पूरा प्योर वेजिटेरियन बन जाते हैं ना, कोई मांस मछली तक नहीं खाते प्याज लहसुन तक, फिर हम उसको तुलसी माला देते हैं, गले में तुलसी माला पहनते हैं, फिर तुलसी माला में जप करते हैं। लेकिन पहले धीरे 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 हम नीम माला है उसको करते रहेंगे, और कोशिश करते रहना धीरे धीरे, जैसे अगर कोई गंदी चीज है मांस मछली हम खाते ही उल्टा पुलटा पीते हैं, कोशिश करिएगा धीरे 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 जैसे ये कम हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम लेने से अपने आप ये सब चीज छूट जाती है, अपने आप चीज गंदी चीज अपने आप छूट जाएगी, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, भगवान का नाम जब करके तो अपने आप छोड़ जाएगी। फिर तुलसी माला लेकर के भजन करना, ठीक है, जिनकी इच्छा होगी सबके सब लास्ट में एक माला लेकर जाना, ठीक है। हरे कृष्णा, कल कहाँ पर प्रोग्राम है? हरे कृष्णा, कल सुबह 9 बजे कृष्णा प्रभु के घर पे विनम में महाराष्ट्र वहाँ यज्ञ करेंगे, वैष्णव यज्ञ, और फिर उसके बाद थोड़ी हरी कथा होगी और प्रसाद महाप्रसाद रहेगा, और कल शाम को कल जब दिन का 8 बजे क्या है
हाँ वो प्रोग्राम के बाद आप ले सकते हैं। जैसे मतलब जोर जोर से बोलो। और कल शाम को साढ़े पांच बजे से साढ़े सात बजे तक दो घंटे हम कीर्तन का प्रोग्राम रखा है हमने सनी बैंक में, लेडी ऑफ द लॉर्ड्स स्कूल है उसके उसके जो स्कूल हॉल है उसमें, तो उसका एड्रेस भी आप हमसे ले सकते हैं। सिर्फ दो घंटे कीर्तन होगा।